ऑक्सीजन का टैंक दिखता वहाँ फ़ोटो खिंचा लो, वहाँ से कोई मालूमात मिलती अपने नाम से अखबार में छपा दो। ये असल में अखबार वालों को भी गुनहगार कर रहे हैं, खुद भी गुनाह कर रहे हैं झूठ बोलकर, और आवाम जो पढ़ रही है उनको भी गुनहगार बना रहे हैं। असल में होता ये है, जो नकटा मामू होता है ना, जिसको ये MLA नकटे मामू है, ये चिमटे से भी नाक को अगर लंबी करने की कोशिश करे तो नहीं होने वाली है। और ये सिर्फ ये कोशिश करे कि मैं चिमटे से नाक में लंबी कर दूं तो शहर मानने लगेगा, लेकिन जो नकटा होता है वो नकटा ही होता है। इसलिए मैं उनको आज नया खिताब दे रहा हूँ कि नकटे मामू है, ये सिर्फ फ़ोटो खिंचा सकते हैं, ये नाक लंबी नहीं कर सकते और ये शहर का कोई विकास नहीं कर सकते। जुमा के रोज़ अली अकबर हॉस्पिटल जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है, वहाँ पर हम लोगों ने दौरा किया था, और वहाँ पर हम लोगों ने दौरा करने के बाद वहाँ की जो तकलीफ़ है आवाम को, जो माँ बहनों को तकलीफ़ है, वो हमने महसूस किया और उनसे हमने जानकारी ली, और जानकारी लेने के बाद ये बात समझ में आई कि वहाँ पर बेड बहुत कम पड़ रहे हैं, वहाँ पर और बहुत सारी सहूलतें होना ज़रूरी है। इसके लिए हमने उस वक्त इस बात का वादा किया था जुमा के रोज़ कि हम कमिश्नर साहब से मुलाकात करेंगे। तो आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक वफ्द आज कमिश्नर साहब से मुलाकात किया है। हेल्थ हमारे अधिकारी, आरोग्य अधिकारी सपना ठाकरे जी से हमने मुलाकात की है, और हम लोगों ने उनके पास हमारे डिमांड रखे हैं, और उन्होंने कहा है कि हम तुरंत आज वहाँ किस तरीके से इमीडिएट वहाँ पर बेड वगैरह उपलब्ध हो सकते हैं, बेड लग सकते हैं एक दो रूम के अंदर, वो बढ़ाए जाएंगे, और वहाँ पर जो अभी सरे दस्त अर्जेंट में डॉक्टर लोगों की जो कमी है वो डॉक्टर भी वहाँ पर दिए जाएंगे। इस तरीके का उन्होंने हम लोगों को यकीन दिलाया है, और साथ साथ में इस बात का जो हमने डिमांड किया कि वहाँ एक नई इमारत बनना चाहिए, वहाँ ICU बनना चाहिए, वहाँ पर जो हमारी माँ बहनें जो डिलीवरी के लिए आती है और उनको BP वगैरह हाई होता है तो उनको ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए ICU होना चाहिए, वहाँ पर बिल्डिंग एक नई तामीर होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि तायरा शेख रसीद साहिबा ने बजट को मंजूर कर दिया है, और हम वहाँ पर 100 बेड का एक नई इमारत तामीर करने का उन्होंने यकीन हम लोगों को दिलाया, और अन करीब उसका टेंडर भी निकल जाएगा। इस तरीके का यकीन तायरा शेख रसीद साहिबा ने और कमिश्नर गौसावी साहब ने हम लोगों को यकीन दिलाया है, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से हारून अहमद अंसारी साहब के नाम से जाफ़रनगर में हॉस्पिटल तैयार किया गया, जिस तरीके से मौलाना ताहिर खान स्कूल जिसे नांदेड़ी स्कूल बोला जाता है उसके अंदर तामीर किया गया, जिस तरीके से मदनी नगर भाग के अंदर किया गया, एक देवी के मल्ले के भाग में किया गया, जो हॉस्पिटल तामीरी काम जितने आप लोग को नज़र आ रहे हैं ये शेख रसीद साहब की क्यादत के अंदर ही हम लोगों ने फ़ंड लाकर उसको मंजूर किया है। मैं देखता हूँ कि कुछ लोग अखबारात के ज़रिए शहर के MLA ये बार बार बोलते हैं कि मैं बच्चों का महिलाओं का हॉस्पिटल मैंने मंजूर कर दिया, 34 करोड़ का मंजूर कर दिया। असल में समझ में ये बात नहीं आती कि सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो स्कीम से हॉस्पिटल बनने वाला है वो असल में 3 साल से इसकी प्रोसीजर चल रही है, और वो स्टेट गवर्नमेंट का फंड नहीं है, वो नेशनल हेल्थ डिपार्टमेंट का फंड है। इनका कोई लेटर नहीं गया वहाँ पर, लेकिन ये इन्होंने एक आदत बना ली है, ऑक्सीजन का टैंक दिखता वहाँ फ़ोटो खिंचा लो, वहाँ से कोई मालूमात मिलती अपने नाम से अखबार में छपा दो। ये असल में अखबार वालों को भी गुनहगार कर रहे हैं, खुद भी गुनाह कर रहे हैं झूठ बोलकर, और आवाम जो पढ़ रही है उनको भी गुनहगार बना रहे हैं। असल में होता ये है, जो नकटा मामू होता है ना, जिसको ये MLA नकटे मामू है, ये चिमटे से भी नाक को अगर लंबी करने की कोशिश करे तो नहीं होने वाली है, और ये सिर्फ ये कोशिश करे कि मैं चिमटे से नाक में लंबी कर दूं तो शहर मानने लगेगा, लेकिन जो नकटा होता है वो नकटा ही होता है। इसलिए मैं उनको आज नया खिताब दे रहा हूँ कि नकटे मामू है, ये सिर्फ फ़ोटो खिंचा सकते हैं, ये नाक लंबी नहीं कर सकते और ये शहर का कोई विकास नहीं कर सकते। जो विकास करने वाले लोग हैं ये हम लोगों की ही देन है, शेख रसीद साहब की क्यादत में, और हमारे माजी के जो कांग्रेस के MLAs हैं उनकी ही देन है इस शहर के अंदर, और इंशाल्लाह हम लोग आगे भी ये शहर को ही हम कुछ दे सकते हैं। इसलिए अली अकबर हॉस्पिटल भी अब अच्छा बनेगा, इसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को अगर तहरीक भी चलाना पड़ेगी तो हम लोग तहरीक के रास्ते पर जाएंगे। साहब,
अब आपने अली अकबर हॉस्पिटल का दौरा किया, अली अकबर की अगर बात की जाए तो सेंट्रल का एक बड़ा तबका उसका इस्तेमाल करता है, एक अच्छी सुविधा मिलती है। जब आपने दौरा किया तो कौन कौन सी चीज़ें आपको वहाँ पर कमी महसूस हुई जो उभरना चाहिए? असल में आज जो तकलीफ वहाँ पर आई है, आज जो तकलीफ़ आई है वो इसके लिए आई है कि जनरल हॉस्पिटल कोविड हो गया, इसके लिए आई है कि प्राइवेट हॉस्पिटल कोविड हो गए, वहाँ पर कोरोना का इलाज हो रहा है। यानी आवाम को अब दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा माँ बहनों को डिलीवरी के लिए या दूसरे इलाज करने के लिए, इसलिए वो हॉस्पिटल पर लोड पड़ गया है, इसलिए वहाँ पर बेड की कमी है, इसलिए वहाँ पर डॉक्टर की कमी है, क्योंकि सभी डॉक्टर कोरोना का काम कर रहे सारा में, तो वो बढ़ाई जाए। और इसी के साथ साथ वहाँ पर ICU बनाना बहुत ज़रूरी है और ये हमने डिमांड लेकर आई है, और मैं इंशाल्लाह ज़रूर इसके ऊपर मैं खुद पाठ पुरावा करूँगा, और तायरा शेख रसीद साहब ने और कमिश्नर साहब ने यकीन दिलाया मुझको कि हम लोग ज़रूर इसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लेंगे और काम करेंगे।